अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आप सेलेटिक्स ब्रांड की इनाया कलेक्शन देखेंगी और ये लॉन के ड्रेसेस हैं और सेलेटिक्स ब्रांड की बिल्कुल न्यू कलेक्शन है। इन ड्रेसेस की प्राइस आपको वीडियो में दिखाई दे रही है 1795 रुपीस। तमाम ड्रेसेस इसी प्राइस में अवेलेबल हैं 1795 रुपीस के। ये लॉन के सूट हैं और डिफरेंट ब्यूटीफुल कलर्स में अवेलेबल हैं। वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि एंड पर भी आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत ड्रेसेस देखने को मिलेंगे। इन ड्रेसेस की फ्रंट और बैक आपको वीडियो में दिखाई दे रही है और दुपट्टे भी इनके बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। ये पर्पल कलर का बहुत खूबसूरत ड्रेस आप देख रही हैं। बैक से भी ये प्रिंटेड है। ये एक और खूबसूरत ड्रेस है, बैक से ये भी प्रिंटेड है। ये ग्रीन कलर में खूबसूरत ड्रेस अवेलेबल है और इसका दुपट्टा ब्राउन कलर का प्रिंटेड है। ये एक और खूबसूरत ड्रेस आप देख रही हैं, बैक से ये भी प्रिंटेड है। अगर आपको इसमें से कोई सूट पसंद है और आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहती हैं तो मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको लिंक दे दूंगी जहां से आप ये ड्रेसेस आसानी के साथ ऑनलाइन ऑर्डर कर सकती हैं। ये पिंक कलर का खूबसूरत ड्रेस आप देख रही हैं, बैक से ये प्रिंटेड है। ये एक और खूबसूरत ग्रीन के शेड में ड्रेस अवेलेबल है, बैक से प्रिंटेड है और बहुत खूबसूरत रोजेस बने हुए हैं इस पे। ये एक और खूबसूरत ड्रेस आप देख रही हैं, बैक से ये भी प्रिंटेड है, बॉर्डर इसका बना हुआ है। ये पर्पल के शेड में एक खूबसूरत ड्रेस आपको दिखाई दे रहा है, इसका भी बॉर्डर बना हुआ है और दुपट्टा बहुत खूबसूरत प्रिंटेड है। ये ब्लू कलर का खूबसूरत ड्रेस आप देख रही हैं, इसका भी बहुत खूबसूरत बॉर्डर बना हुआ है। वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो भी ये खूबसूरत कलेक्शन देख सकें। वीडियो के बारे में कमेंट करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ दिया हुआ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। इस वीडियो में आप सेलेटिक्स ब्रांड की इनाया कलेक्शन देख रही हैं जो कि लॉन के 2 पीस सूट हैं, शर्ट और दुपट्टे पर मुश्तमिल हैं और इन सूटों की प्राइस 1795 रुपीस है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।